नमस्कार दर्शक बंधु। दर्शक बंधु, आम समाज में भूत प्रेत को नहीं बहुत किसी भ्रांत कथा मान रही केवे तो कौन स्थान व्यक्तिशेष भूत व प्रेत आत्मा थार घटना आम समस्त शुणा को मिलता है केउठारे स्त्रीलोक डाहाणी होता कथा शुणा को मिलता है किए कम तो किए बेसी किंतु प्रायत आम समस्ते भूत प्रेत विषय देखि ना कि शुणी। दर्शक बंधु, यह प्रश्न उठे कि कौन सतरे भूत प्रेत अच्छा भूत प्रेत अच्छा कि नहीं यह निश्चित करने पूर्व मु आपण मानक कह चाहूँ जो लोक मैंने भूत प्रेत को देखी देखिथार विश्वास करायत यही लोक मैंने देखा गले मानसिक रोगी होता जे शुणवे विश्वास रखि थाए से तार निजर आस्था उपर हकी जाए यही मानसिक विकृतिग्रसित लोक मानकर कथा को शुणी भूत प्रेतंर अस्तित्व को स्वीकार करपे बहुत लोक एमती अच्छा कि जे कही था से माने कौन सी प्रेतर आत्मा सहित सांग किंतु मु तो आज पर्यंत एमती कौन सी व्यक्ति देखे ना जी यह प्रमाणित करें कहपर अंधविश्वास ग्रासित लोकों ठार आपण मैंने यथासंभव दूरे की रुंतु जे पर्यंत कौन सी सठिक प्रमाण न मिली से पर्यंत कहार कथा को शुणी विश्वास कर भूत को डरबार कौन सी भी आवश्यकता ना एवं प्रश्न उठू कौन सतरे भूत प्रेत अच्छा एही प्रश्नर उत्तर हैला हाँ अच्छा किंतु आपण को डरबार कौन सी आवश्यकता ना केमिति होइथाय ओ कौन होइथाय ताहा आज मुझक जनइबी। आपण समस्ते जानिछंती एही दुनिया रे रहुतबा समस्त व्यक्ति एक भौतिक शरीर को छाड़ी थांती एबे एहा अलग कथाटे कि शरीर स्वइच्छा रे छाड़ी थाए ना अनिच्छा रे छाड़ी थाए। भावंतु आपण बहुत दिन धरी कौन सी भड़ा घरे आपण से ही घरे निज मन पसंदर सब जिनस रखिंट गोटे दिन कई हठात आसी आपण को कहे कि घर आपण को छाड़क पड़ो से आपण को कते कष्ट ठीक यही भली कथा शरीर विषय जन्मरु नहीं आज पर्यंत आपणकर शरीर प्रति बहुत प्रिय हो सारी थाए भावंतु आपण भल खाऊ कापाई भल पिंधुंट कापाई आपण सकाळु संध्या पर्यंत विभिन्न कार्यरे लिप्त रहउचंती कापाई निश्चित भावरे एही शरीर पाई जेतेबेले शरीर इत्ते प्रिय अमर सेतेबेले मरिबार इच्छा नथिले मध्य आमको शरीर छाडीबाकु पडिथाए शरीरर एही मोह माया ही प्रेतात्मा हो जाए। तेबे प्रश्न एठारे उठुछु कि मृत्यु परे कौन होइथाए मृत्यु कौन अटे मृत्यु विषय आमर धर्म पुराण रे लेखा जाइछि कि एही स्थूल शरीरर त्याग ही मृत्यु अटे अर्थात त्याग करुथिबा व्यक्तिंकर कोनोसी अस्तित्व अछि। आपण भूलिगले जे आपणकर ए घर नुह घरे रहुथिबा व्यक्ति त्याग करुथिबा ही आत्मा अटे भौतिक शरीर नष्ट होइगला परे आत्मा सूक्ष्म शरीर को चली जाए जे पर्यंत ताकू गोटे नुआ शरीर मिली जाइन थाए तेबे ठेरे प्रश्न उठे नुआ शरीर मिलिबा पर्यंत आत्मा केउठारे रही थाए जेपरी भावरे भौतिक शरीरधारी आत्मा को पाई भौतिक जगत होता है ठीक से हीपरी सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा को पाई एक सूक्ष्म जगत होता है जहाँ आमर एही स्थूल जगत रे लुचिकी रही थाए सेठारे रहुतिबा सूक्ष्मधारी आत्मा प्रकाश भली चमकी थाए एमिति भावरे सूक्ष्म शरीर होता है तथा निज क्षेत्र में सीमित होता कारण से आम पाई अदृश्य हो रही थाए एही अदृश्य आत्मा को प्रेतात्मा बोली कह जाए जहाँ आम आपण को आगर कही शरीर और संसार रु आसक्ति ही मनुष्यर प्रेतात्मा हेबार कारण अटे। तेबे एठारे प्रश्न उठे कौन प्रेतात्मा ही खराब अटंती जेमिति भौतिक जगत रे भल एवं खराब दुई प्रकार मनुष्य अछंती ठीक सेहिपरी सूक्ष्म जगत रे भल एवं खराब दुई प्रकार प्रेतात्मा बास करिथांती सूक्ष्म जगतर भल आत्मा माने लोकं को उपरकु उठाइबारे एवं आगकु बढ़िबारे सहायता करिथांती जेमिति कि खराब आत्मा संसार प्रति आसक्त हेबा कारणरु कोनोसी दुर्बल मनोभाव व्यक्ति को निज बसरे करी निजर अतृप्त इच्छा को पूर्ण करिबा पई चेष्टा करिथांती कारण डरिबार कोनोसी आवश्यकता नाही एही दृष्ट आत्मा पाखरे एमिति भी कोनोसी लक्षण बा शक्ति नाही
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ। ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରେଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଦୁର୍ବଳ ମନୋବଳର ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ରାମତୀର୍ଥଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ। ଯଦି ଡର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଡରିବା ବଦଳରେ ତାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଡରକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଯଦି ମନରେ ଡର ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କ୍ଷତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବିଚାରରେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପ୍ରେରଣାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଭଲ ଭଲ ପୁସ୍ତକମାନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେ, ଦୁନିଆର କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ ମଜବୁତ ନ କରିବେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଭଲ ବିଚାର ଆଡ଼କୁ ନ ନେବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନର କେଉଁ ବିଚାରର ଅଧିକାର ହେବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ମନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରକ୍ଷା କରିବା ଏହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯେପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ତାଲା ଲଗାଇକି ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ କେମିତି ଖୋଲାଖୋଲି ରଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।